नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। गले में चुभन या खुजली होने की वजह से बार बार गला साफ करना पड़ता है, लेकिन इससे फिर भी कोई फायदा नहीं होता। गले में चुभन के कई कारण हो सकते हैं। खास तौर पर सूखी खांसी की वजह से गले में चुभन की समस्या महसूस हो सकती है। इसके अलावा अन्य कई कारण भी हो सकते हैं। गले में चुभन और खुजली की वजह से आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए इस तरह की समस्या महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर आपको इस समस्या को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स और एलर्जी रोकने की दवाएं दे सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप गले में चुभन होने के कारण के बारे में जरूर जानें। तो चलिए बताते हैं आपको आज इस वीडियो में। गले में चुभन के कारण: सर्दी जुकाम, एलर्जी की समस्या होने पर गले में सूजन होना, एसिड रिफ्लक्स होना, गले का कैंसर, कुछ दवाइयों के प्रभाव से भी आपको गले में चुभन हो सकती है। चलिए बात करते हैं गले में चुभन का खतरा कब होता है। तेज चिल्लाने से गले में चुभन का खतरा बढ़ सकता है। लगातार बोलने पर भी गले में चुभन हो सकती है। प्रदूषित वातावरण में सांस लेने से भी अक्सर ऐसा होता है। धूम्रपान का सेवन करने से अस्थमा रोगियों को और कम पानी पीने वालों को भी अक्सर ये समस्या हो सकती है। चलिए बात करते हैं उपाय की। प्रदूषित वातावरण से दूर रहें, धुएं वाले इलाकों में जाने से बचें, अपने शरीर को हाइड्रेट रखें ताकि आपका गला ज्यादा सूखने से बचा रहे, शरीर को पर्याप्त आराम दे, धूम्रपान का सेवन ना करें, कैफीन युक्त चीजों के अधिक सेवन से बचें। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।